वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है। एशियाई तरक्याती बैंक के तआवुन से जारी मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई है और तरक्याती मंसूबों के लिए मिलने वाले बिरूनी कर्जों को ईमान समझ कर इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे इमरान अकबर जी, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम मुराद से आज प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब इंटरमीडिएट सिटीजन इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं हमजा सालिक की मुलाकात हुई है। इस वाले से एशियाई तरक्याती बैंक के तआवुन से जारी मनसूबों के बारे में वज़ीर बल्दियात को ब्रीफिंग दी गई है। तरक्याती मनसूबों के लिए मिलने वाले बैरूनी कर्जों को गरीब आवाम की अमानत समझ कर इस्तेमाल किया जाए, इब्राहिम मुराद ने हदायत की है। इस वाले से इब्राहिम मुराद का कहना है कि तरक्याती मनसूबे हर वक्त खत्म करके गरीब आवाम के अरबों रुपये की बचत की जा सकती है, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक के तआवुन से जारी 72 अरब रुपए के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज की जाएगी। शहरियों का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ये मंसूबे कलीदी अहमियत देखते हैं और इस वाले से मंसूबे जल्द मुकम्मल करके शहरियों को तरक्की के सम्राट से भी मुस्तफीद किया जा सकता है। साहिवाल, सियालकोट और वाटर सप्लाई सैनिटेशन का निजाम बेहतर बनाने के लिए जारी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाए। इन शहरों में पार्कों के क्याम के मंसूबे तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल। बहुत शुक्रिया इमरान।